साथियों, आप लोगों के बीच में एक और विराह की प्रस्तुति करने जा रहा हूं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को झकझोर देने वाला यह विराह है। विश्वास मां, आप लोगों के विराह पसंद आई, कहना है मास्टर चार लाइन भूमिका में। कहना है उन बहादुरों के प्रति, आए दिन सरहद से उन जवानों की पार्थिव शरीर घर पर आ रही है। गाजीपुर और बलिया का तमाम जवान शहीद हुए, लेकिन एक जवान की कथा मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। कहना है क्या, भारत माता की धरती की वीरों की गाथा, धरा बीच होती है अनुपम कहानी, लोहू से जब सींचा है धरती का दामन, जबकि बॉर्डर पर फौजी खड़ा सी नतानी, मान सम्मान की उड़ती धजिया जहां, हर तिरंगा बाध सर परी बाबा, हम बचाते हैं पानी, कभी श्याम लाल बाबा है वतन के फरिश्ते, बचा लो वतन जो वतन की निशानी, गाजीपुर बलिया का नाम अगर इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाए तो शायद इतिहास अधूरा पड़ जाएगा। एक लाइन हमारे विराह में कवाली लगल, कौन कवाली बा मास्टर? हरि तो ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, हमको 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 तुमसे प्यार हुआ है,
सुंदर लाइन है क्या? अरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया को माहिर जलाए, सोने की चिड़िया को माहिर जलाए, हौसला बुलंदी पर, हौसला बुलंदी पर जुटते बचाए, हौसला बुलंदी पर बाबूजी विराह की शुरुआत हो गई, कहानी की शुरुआत हो गई। बतावल गई कैसे मास्टर नज्म के लाइन हो, हथेली पर लेकर चले हैं हीरो ने। बात समझ चला, जिला है गाजीपुर, शहीदी धरती कही जाती है, वतन के खातिर सीधे में गोली खाती है, उसी जनपद में मोहनदाबाद थाना है, सुल्तानपुर गांव को सब जानता जमाना है, इसी गांव में की यादवों की बस्ती है, कौर से देखो कि जिंदगी कितनी सस्ती है। ये भैया तनी बात समझ ले, राजा गांव की धरती, वीरों की धरती, गाजीपुर, पीर अब्दुल हमीद जैसे वीर जो शहीद हुए, वही गाजीपुर के घटना में और गाजीपुर जिला के अंतर्गत एक गांव है जो ईसीपुर मोहनदाबाद, मोहनदाबाद थाना भी है, कुतवाली भी है, ईसीपुर मोहनदाबाद थाना के अंतर्गत एगो गांव पड़ेला जिस गांव का नाम बताया गया सुरतापुर। जब आप लोग गाजीपुर से आएंगे बक्सर के लिए आएंगे तो मेन रोड पर वह सुरतापुर गांव है, वही सुरतापुर गांव के यह घटना बताई गई बाबू, जो सबके जिगर को झकझोर देने वाली घटना। तनी कहानी पे गौर कर, बताओ लगे विराह की शुरुआत है का। जमुना यादो या सरफी के छोटा परिवार वाले बाबू, छोटा परिवार आवा हो गोदिया में रहले दोइठे लाल। वही सुरतापुर गांव के रहे वाला एक गरीब किसान जिनका नाम बताया गया जमुना यादव, और जमुना यादव के पत्नी के नाम अशर्फी देवी बा। भगवान दो ही बेटा और एक बेटी देले हुन, जिसमें बड़ा बेटा का नाम बताया गया बाबू के रहल तहीरा लाल यादो रहलन बड़का लाल नवाय बाबू, बड़का लाल नवा हो छबीला भरती फौजादारा म्यान। बड़ा बेटा हीरा लाल यादव जो कि दिल्ली में नौकरी करते हैं, और उनका छोटा भाई हीरा लाल का छोटा भाई आराम छबीला यादव, दोनों भाई
एक साथ पढ़ल और लिखलन। धीरे धीरे हीरा लाल बड़ा भाई था, हीरा लाल जाग के बाद उन तिली में नौकरी करे लगलन और अपने बाप मतारी का अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए। पढ़ लिख के बाद उन भर्ती हो गिलन। आज जब भर्ती हो गिलन बाबू तब विराह में तर लगिल का मोही दगा दे के अरे हाय भागल हो निरामोही लेकिन आई बेटा के जब वर्दी देखलन हो आय हाय 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 पूरा क्षेत्र के अपने बाप मतारी के नाम रोशन किलन राम छबीला यादव तब बतावे के पड़ल विराह में कैसे हमारी घरवा बावरदी अरे टांगल हो हमारी घरवा वर्दी पहन छबीला गौवा हर त खुशिया में मन सब कर पागल हो हमारी घरवा बवरदी अरे हई टांगल हो हमारी घरवा में वर्दी आज राम छबीला यादव आईटीबीपी में बात उन भर्ती भइलन ह आ जब वर्दी पहन के घरे अइलन त तिलकर दुआरे पर आवे लगलन। आज जब दुआर पर आवे लगलन तो उनकर बाबू सोचे लगलन कि जब लड़का भर्ती हो गल पाप का तब ब्याह कैला में ठीक बा। हां भैया नतीजा का निकल विराह में एक लाइन तरज लगे मास्टर बड़ा कचका गीत बा गोइल जब से बाहर आया था बार बार हो गोइल जब से बाहर आया आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईला हो चिड़ैया बन के उड़ गईला राजा जी हमार हो चिड़ैया बतावे के बोल कैसे
शादी करे ऐले तिला कहरु दुआर हो कि बेटावा छबिला भइले। शादी करे ऐले तिला कहरु दुआर हो कि बेटावा छबिला भइले। फौज के जवान हो कि बेटावा छबिला भइले। छबिला यादव के ब्याह तय कैलन हम आज अब बरात साथ करके गई बाबू अग्नि को साक्षी मान करके राम छबिला यादव अपने दुल्हन नहीं नबेली दुल्हन ले कैलन हम। नतीजा कब है? शादी को के अली घरे शांति गुजरिया साथे तो ही थे कुमरिया निर्मलाया पूजा बेटी निर्मलाया पूजा बेटी भैली परिवार हो कि बेटा राम छबिला भैले बेटा राम छबिला भैले। फौज के जवान हो कि बेटराम छबिला भइले। राम छबिला यादव जी के बाद दुल्हन के नाम बताओल गई शांति। और शांति जब दुल्हन के रूप में आइल बा तो शांति के कोख से बातुन तीन संतान भिलन एक बेटा और दो बेटी। बेटे का नाम अरविंद यादव और बिटियन के नाम निर्मला और पूजा बतावल गेल। राम छबिला बड़ा बढ़िया विचार कर रहे जब छुट्टी अबो कर घरे द्वारे सबसे बात उन मिलल कर छुट्टी ले के बात उन फिर अलन हम धीरे धीरे बाबू हो छुट्टिया समाप्त भल फौजी राम छबिला जब जाए लगल तो बताओल गई बिराह में एगो तरज लगी माइटर कौन तरज बा दुल्हन बतावे लगल बाबा रेलिया से चढ़ के जा हाजिया से उतरी प्यार गुनवर गईले ना जब चले हैं राम छबिला यादव ड्यूटी करने के लिए वर्दी कसे और वर्दी कस करके जब चला है बाबू ओ समय के बाद हलगिल का घरवा से ड्यूटी करे चल ले जवनवा हो मगनवा चल लेना हरवा से ड्यूटी करे चल बाजवनवा हो मगनवा हो चल लेना हाँ मगनवा चल लेना हाँ मगनवा
जवान बतावल गेल बाबू कन्हैया पर चमकेला तू दू गो इष्टरावा कोहेली शांति राजा को बैबा धारावा कोहेली शांति राजा को बैबा धारावा कोहेली शांति राजा को बैबा धारावा हौजी छबिला छुए घूम घूम के चरनवा होई मगनवा चलल ना अपने गांव से बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और वह फौजी राम छबिला यादव जब ड्यूटी करे गिलन है, लेकिन बाबूजी नतीजा का निकलल बिरहा कटेरी में बतावे के पड़ल कि अरे मोरे राम बाबा हर खुशी में एक कहानी बन गई फौजी सीना तान बचाए देश के पानी अरे हो पानी अरे हो पानी खुशी में एक कहानी बन गई ड्यूटी लगल अरुणाचल और अरुणाचल के बाद वन शिलान जब ड्यूटी लगी राम छबिला यादव के दो दो स्टार लगा है बाबू लेकिन बाहरे मालिक नतीजा का निकलल तयरुड़ा चल छबिला गईले हर ड्यूटी बिरादावा हो हर जानी नहीं पाया अब विधि के विधानावा तर छक जिंदगी में ड्यूटी सपनावा लेके आकाशी जन गईल छबिला तेही छानावा लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गया राम छबिला सोचने लगी कि अब जान बचल मुश्किल बा तीसरा स्टार लगना था बाबू नीचे आने ही वाले थे लेकिन मालिक को मंजूर नहीं हुआ बाबू साथ में और भी जवान थे कई थे जवान रहले छबिला के सगावा में हर खत्म ऑक्सीजन हाय झंखत बाजवानावा सोच राम छबिला यादव बाबा हम कर के उपाया हो हर सांस तेज होने लागल हम बचना पारनावा पहाड़ी में सांस तेज होने लगी ऑक्सीजन खत्म हो गया जवान देखते हैं ले करके गैलन कहां गैलन बाबू बताओ गिल बिरहा में तरज लगी हरे सुन सुन भैया हरे मोरया मोलावा
हा भैया आवत बात हाय बाबू के धावा ना हालत बिगड़े लागल हर सुझना दहरिया हो लेके अइले हास पीतला सहरिया हो राम छबीला यादव की धीरे धीरे सांसें रुकने लगी। जवान आनन फानन में उठाए लेकर के आए, लेकिन बाबू हो हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं, डॉक्टर साहब जब चेक करते हैं तो डॉक्टर मृत घोषित कैले वो ही धरिया घरवा में मिलल जाबा बाबूजी खबरिया सागरी नगरिया हो आए है डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। तुरंत बात उन जिले पर खबर आई और उस समय बात उन राम छबीला यादव का बेटा अरविंद यादव पढ़ने के लिए ट्यूशन जा रहा था बाबू, और रास्ते में मोबाइल के जब घंटी बजल हो अरविंद निकाला आवाज आती है कि बेटा कौन बोल रहे हो, बतौले ना हम अरविंद बोले थी और राम छबीला यादव के आप लड़के हैं, कहा हाँ सर मैं राम छबीला यादव का बेटा बोल रहा हूँ। सूचना मिली बताए कि बेटा धैर्य से मेरी बात समझो, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, घरे माई से बतावल ना चाहते हूँ, अब कहाँ पढ़े जा, लौट करके वापस घरे इलन। लेकिन बाबू हो वज्र टूट पड़ल, अरुणाचल प्रदेश से उस राम छबीला यादव की पार्थिव शरीर चली है। आज अब पार्थिव शरीर चली है बाबू, लेकिन घरवार बिन बतावल नहीं चाहत बा, लेकिन सब्र कबाड़ टूट गया मित्रों। तब विरह में हमारे सोरठी लगे बतावे के पड़ कैसे हरे केवन करा दवा हरे जोगी जोगा वारा मावाला रे केवनी करा नवाया जोगी जोगा वारा मावाला रे जोगा वारा मावाला हो केवनी करा नवा भिखिया छबीला कला सजा बाबत पुर में आईली बाबू बाबत पुर में आईली हो आगाजीपुर से आईली दुआर मेरा अरुणाचल प्रदेश से एरोप्लेन से उस बहादुर की पार्थिव शरीर कुछ जवानों के साथ बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस लेकर के उतरते हैं। वहीं से गाड़ी से
अपनी गाड़ी पर लेकर के पार्थिव शरीर गाजीपुर आते हैं, और गाजीपुर से जब सुरतापुर गांव ले कैलन हो, राम छबीला यादव के द्वारे पर जब राम छबीला यादव की पार्थिव शरीर आती है बाबू, क्षेत्र जवार के लोग टूटल बा, लेकिन जब शांति जल समार सैया के लाश आई बा, पागल जैसे हो गए हो बाबू, जाके कल से साहेब तनी हमारे साहेब तनी मुहावा दिखा देती है साहेब, देख के भी हो ती गुजारी यार शान ती गुजारी हो, कहाँ गईल साहेब हमारा हर छतिया के पीती पीती रोवे, हर बिंद बाबू रोवे हर बिंद हो, आ गईल तू बेटवन आ गईल बेटा बेटी के विसारन राम। हे पंचे देखे उसी वक्त बात उन राम छबीला यादव जी की पार्थिव शरीर लेकर के हर्षिता तिवारी एसडीएम थे मोहम्मदाबाद, सीओ श्याम बहादुर सिंह, तमाम अधिकारियों के साथ जवानों के साथ पार्थिव शरीर जब सुरतापुर गांव में आयल हो तो नारा एक लगल लगत बा, राम छबीला यादव अमर रहे इनकलाब जिंदाबाद, नारा से पूरा आसमान गुज रहा है, धरती गुज रही है। तब बताओ लगे विधा कला में कैसे अमर रहे राम छबीला कलागत बात नारा बाबू, पूरा पारा देश वही में मचल हाहाकारी, पूर्व पर धान है जो किंदर समझावे शांति के, राम छबीला के नाम मैती हस में गवई हन बाबू, लाश देखी पहे लानया नवा कदारी, गौआ के रक्षक एगो चली हो गईलन, भगवानी सुल्तानपुर गंगा घाट पर लोग सब अइला बाबू, इनकलाब जिंदा बच्चे गुजल समानी, साथियों हजारों हजारों की तादाद में उस बहादुर की पार्थिव शरीर लेकर के इनकलाब जिंदाबाद राम छबीला यादव अमर है लोग नारा लगाते पहुंचे हैं, जिसमें मोहम्मदाबाद के शानदार विधायक नौजवानों की आवाज भाई मन्नू अंसारी जी पहुंचते हैं, आंखें नम है शानदार जिला पंचायत सदस्य भाई पूजा यादव पहुंचे हैं, शानदार जिला पंचायत सदस्य भाई बंगाली यादव पहुंचे हैं, जिला पंचायत सदस्य हमारे गार्जियन है आदरणीय गांधी उर्फ फेकू यादव पहुंचे हैं,
और ब्लॉक प्रमुख माननीय अवधेश राय जी पहुँचे है। प्रधान प्रतिनिधि भाई संतोष यादव का आंसू नहीं थम रहा है। पूर्व विधायक अलका राय जी के बेटा प्रियांशु राय जी पहुँचे है। सभी लोगों की आंखें नम है, अरविंद बाबू को समझा रहे हैं बेटा रो मत, लेकिन अपने बाप को मुखग्नि देने के लिए जब अरविंद बाबू चला है ठीक है बात, अपने पापा के मुंह निहारत बा और वो एगो बात कहलस का कहलस कहलस की कैसे के दे अग्निदान हमारे पापा जी। कैसे के दे अग्नि दान हमारे पापा जी। कैसे के दे अग्नि दान हमारे पापा जी। कैसे के दे अग्नि दान हमारे पापा जी। चेहरे पर से वो तिरंगा झंडा हटा करके और रो रहा है अरविंद। तब तक वीडियो कॉलिंग फिर मोबाइल की घंटी बजी और रिसीव करता है तो देखा कोई और नहीं बल्कि हमार बड़का बाबू हीरा लाल यादव। वो दिल्ली में बीमार थे तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। बारे मालिक ऐसा बजर गिरा दिया, एक भाई चिता पर और एक भाई हॉस्पिटल में। हीरा कहत हुआ नरबीन तनी एक बार हमारे भाई के तनी मुहवा दिखा दे बा। मोबाइल से मुंह हमारे भैया के देखावा। अरे मालिक ये क्या कर दिए, कम से कम अपने भाई के अंतिम दाह संस्कार में मैं शरीक हुआ होता, लेकिन ये भी इस भाई को नसीब नहीं हुआ। अपने भाई के देख लें हीरा बेड पर पड़े हैं दिल्ली में हॉस्पिटल में देख करके और रो रहे हैं। अरविंद रोवत बा अब हम के पापा कब हो बड़का पापा। खल बेटा मत रो, अभी मैं जिंदा हूं रे पगला, एगो बात खल नखा। अरविंद निर्मला पूजा जी के लोग समझावा। तमाम नेतागण लोग क्षेत्र ज्वार के इकट्ठा हुन समझा रहे हैं बेटा मत रो, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो विराह का लास्ट कड़ी में बतावे के पड़े कैसे मास्टर। हरे तसांति रोवे बाबा, अब आई छोड़ के पराई गईला। हरे बेटा बेटी के टुअरा बनाई गईला।
आग के लोग कहे राम छबीला नहीं आई है, चाहे देश के पानी खुशी में ये कहानी है।